रायबरेली पुलिस को दिन पे दिन बेहतर करने के लिए रायबरेली पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी द्वारा लगातार नए नए प्रयोगों का कार्य किया जा रहा है। उसी क्रम में आज पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के द्वारा छात्र छात्राओं को पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान क्षेत्राधिकारी सदर वंदना सिंह, सदर कोतवाल संजय त्यागी समेत पुलिस विभाग के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने पुलिस के कार्यालय जाकर पुलिस द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में छात्र छात्राओं को अहम जानकारी दी। वहीं अगर बात की जाए तो अपर पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने भी बच्चों को पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में अहम जानकारी दी। आइए आपको भी सुनवाते हैं इस पूरे खबर को लेकर क्या कहना है आए हुए शिक्षकों का। नामों परिचय बता दीजिए। मेरा नाम संदीप दीक्षित है, मैं कंपोजिट क्लब वाइज में मैथ्स टीचर हूँ। आज आपके विद्यालय के कुछ बच्चे एसपी परीक्षा रहे हैं, क्या है मामला? ये बच्चों को पुलिस संबंधी क्रियाकलापों और पुलिस के एक्टिविटीज़ उससे संबंधित जानकारी के संबंध में आयोजन किया गया है। उसमें पुलिस अधीक्षक महोदय ने चार चार बच्चों को आप प्रत्येक विद्यालय से चार विद्यालयों से बुलवाया है और प्रत्येक को इसलिए वो किया गया है बच्चे को कि इनको सटीक जानकारी, सही ज्ञान और पुलिस क्रिया प्रणाली का सही अनुभव कराया जा सके, जिससे उनको भविष्य में कभी कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। रायबरेली पुलिस के इस कदम को किस तरीके से आप देखते हैं? रायबरेली पुलिस और मीडिया के लिए हम लोग आभारी हैं कि इस तरह का कार्यक्रम कराया गया है। इससे बच्चों में जागरूकता बढ़ेगी, बच्चे आगे के लिए जीवन के लिए तैयार होंगे और उनके अंदर से सबसे बड़ी चीज़ जो ये पुलिस के संबंध में एक भय और डर बना रहता है वो उनके भावी जीवन के लिए वो डर समाप्त हो जाएगा और इसके प्रति उन्हें जागरूकता और पुलिस के प्रति पॉजिटिविटी उत्पन्न होगी।